शैल राज बड़ादर की पद पखार बरुआसन दी पद पखारी बरुआसन दीना शैल राज बड़ आदर कीना शैल राज बड़ आदर कीना पार्वती के जीवन में कितने सुंदर गुण है लेकिन रेखा में कुछ कुछ अगुण अवगुण कुछ न्यूनता पति कैसा होगा ये बताया अगुण अमान पात पितु ही ना उदासीन सब संशय छीना उदासीन सब संशय छीना अगुण अमान मात पितहीना ऐसा पति मेरी सुपात्र पुत्री के लिए ऐसा पति नंगा रहने वाला चिता भस्म लपेटने वाला अगुण अमान मात पिता का कोई ठिकाना नहीं ऐसी मेरी गुणवती पुत्री के लिए ऐसा पति माता पिता व्याकुल हो गए अश्रुपात होने लगा अश्रुपात मैना को हुआ अश्रुपात शैलराज को हुआ अश्रुपात परिचारिकाओं को हुआ अश्रुपात सखियों को हुआ और अश्रुपात पार्वती को भी हुआ हिमराज को अश्रुपात हुआ कि मेरी पुत्री का भारी दुर्भाग्य है मैना को अश्रुपात हुआ कि मेरी फूल जैसी पुत्री का वर बावला सखियां तो रोने लगी दासियां तो रोने लगी जब स्वामी रो रहा है तो फिर आस पास परिचारकों के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं लेकिन आंसू तो पार्वती को भी आए पार्वती के आंसू दुख के नहीं है पार्वती के आंसू आनंद के हैं क्योंकि कौन है अगुण कौन है नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजे ये तो चिर दंपत्ति है शिव और शक्ति तो चिर दंपत्ति है उनको बोध है कि हम चिर दंपत्ति हैं सती को स्मरण है कि मैंने 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 कैसे स्मरण करते करते शरीर त्यागा था इसीलिए पार्वती के रूप में भी स्मरण है लेकिन ये लीला की जा रही है ये लीला है ये हम सबके लिए लीला है अगुण अमान अमान कौन होता है बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी माँ हमें निमंत्रण नहीं आया हम नहीं जाएंगे वहां और जो बुला रहा है उसका हृदय हमारे लिए अच्छा नहीं है वो हमें देख के मुंह बनाता है हम क्यों जाएं हम यहीं रहेंगे हमें नहीं जाना एक तो हमें निमंत्रण नहीं है तो हम क्यों जाएं इसको आप स्वाभिमानी कह सकते हो कि बिना निमंत्रण के जाता नहीं है ये स्वाभिमानी बंदा है लेकिन एक को निमंत्रण आया उसने कहा मुझे निमंत्रण तो आया है पर मैं इतने छोटे आदमी के यहां जाना अपनी तौहीन समझता हूं ये अभिमानी बंदा है वो स्वाभिमानी है और ये अभिमानी है लेकिन एक और बात है निमंत्रण आया व्यक्ति छोटा है मेरे स्तर का नहीं है फिर भी मैं जाता हूं और दुनिया को बताता हूं कि देखो मेरे लिए छोटा बड़ा कोई नहीं है मैं इतना विनम्र हूं विनम्र है नहीं उसने विनम्रता ओढ़ ली है विनम्रता दिखा रहा है ये बहुत खतरनाक बंदा है जिसके पास विनम्रता है नहीं वो सिर्फ विनम्रता दिखा रहा है अमान कौन है मेरे भोले भंडारी उनको मान अपमान का कोई
भाव नहीं है। आपको यश मिले या अपयश मिले, आप लक्ष्य को समर्पित हैं। अमान वो तो सारे जगत के माता पिता है, उनके माता पिता कौन होंगे। उदासीन, अगर किसी नई नवेली बहू को उदासीन व्यक्ति मिल जाए तो बिरबलो बताओ उसकी चाह, उसके उसके राग, उसके अनुराग कैसे पूरे होंगे। ये तो बंदा उदासीन है। लेकिन रसिक टाइप का दूल्हा मिल गया तो एक से जल्दी दिल उब जाएगा, उसे नवीनता पसंद होगी, इसलिए जगह जगह मन जाएगा। उदासीन पति मेरे लिए अच्छा है, संशय जिसके चित्त में है ही नहीं। अगुण अमान मात पितु ही, अगुण अमान मात पितु ही, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना। देव ऋषि नारद ने कहा शैलराज ये सारे दूषण भूषण में बदल जाएंगे अगर पार्वती तप करे, और तप से रीझकर शिव पार्वती को स्वीकार कर ले तो ये सारे दूषण भूषण बन जाएंगे। और यहां अपनी पुत्री को देख के माँ पिता की आंखों से आंसू आए हैं, गोद में बैठाया है, तप उसके लिए करना है जो शिखरों पर बैठ के रसातल भांप लेता है। जो शिखरों पर बैठ रसातल भांप लिया करता है, जो सबके मन की मन ही मन भांप लिया करता है, सक्षम है जो स्वयं समय की धार मोड़ देने को, शंकर ही है ग्रहण त्याग का भार छोड़ देने। आप कहोगे ना कि दीदी माँ वो बड़ा त्यागी है, कभी त्यागी होने का भी भार सर पे चढ़ जाता है। दो मित्र हैं, एक सम्राट हो गया एक साधु हो गया। सम्राट मित्र को पता चला कि मेरा मित्र आ रहा है, उसने लाल रेड कारपेट बिछा दिए मित्र के लिए। मित्र कहते हैं अच्छा तू अपना वैभव दिखा रहे। तो वो जो उसका बाबा बन गया मित्र था ना, वो गया तालाब में, उसने घुटनों तक कीचड़ मल लिया और फिर कीचड़ सने पैरों पे कारपेट पे चला। बोले तू अपने वैभव का प्रदर्शन कर रहा है तो मैं अपने त्याग का प्रदर्शन करूंगा। लेकिन शंकर ही हैं ग्रहण त्याग का भार छोड़ देने। ऐसे शंकर के लिए तप किया है। उमा ही बिलोक नयन भरे बारी, सहित सने है गोद बैठारी, सहित सने गोद बैठारी। माँ पिता व्याकुल हैं। पार्वती ने कहा माँ मुझे स्वप्न हुआ, स्वप्न में मुझे ब्राह्मण के दर्शन हुए, उन्होंने मुझे कहा कि मैं तप करूं। माँ मैं तप करना चाहती हूँ। मात पितई बहु विधि समुझाई, चली उमा तपहित हर्षाई। उरे धरे उमा प्राण पति चरण, उरे धरे उमा प्राण पति चरण, जाई विपिन लागी तप कर, जो तप शब्द है ये अद्भुत है। धूनी में रमना भी तप है, आग की ज्वालाओं में तपना भी तप है, भूख से व्याकुल अंतड़ियों को भोजन नहीं देना भी तप है। तप शरीर का उपवास भी है और तप मन का निग्रह भी है। तप मन के ऊपर अंकुश लगाना भी तप है। जहां आपका मन ना करे वहां जाना पड़ रहा है, यह भी तप है। मन के विरुद्ध खड़ा होना तप है। और देवियों तुम्हारा तप है अपनी संतानों का निर्माण करना, उनको मनुष्य बनाना। सीमा पर खड़े सिपाही का तप है
शत्रु को अपने राष्ट्र के अंदर उसकी सीमा में घुसने ना देना। राजा का तप है प्रजा के कल्याण के लिए रात दिन परिश्रम करना। पिता का तप है जिसको धरती पर लाए हैं उसको सुयोग्य बनाकर सृष्टि को समर्पित करना। गुरु का तप है अपनी सारी ज्ञान संपदा शिष्य को अर्पित कर देना। तप है ये जो जहां खड़ा है वहां तप कर रहा है। क्या है तप? आग में जलना ही तप नहीं है। और यहां जो तप है वो ऐसा तप है कि आज तक ऐसा तप किसी ने नहीं। आप कहोगे दीदी मां ध्रुव ने तप किया, पर ध्रुव ने तप किया पिता से अपमानित हुआ। ध्रुव के चित्त में कहीं ना कहीं राजा बनने की आकांक्षा थी, इसलिए माता की वाणी के वाणों से विदीर्ण होके वो ईश्वर की तरफ उन्मुख हुए। तप तो हिरण्यकश्यप ने भी किया था और असुरों का तप तो बड़ा भयंकर होता है, लेकिन पार्वती का तप विक्षुब्ध होकर नहीं कर रही। पार्वती तप सारे संसार को बता रही है कि तप करना कैसा होता है। तुलसीदास जी ने उसका क्रम बताया है, भोजन का त्याग किया, कंदमूल खाए उनका त्याग किया, फल खाए फलों का त्याग किया, जल पिया जल का त्याग किया, पत्ते खाए बिल्व पत्र उनका त्याग किया, अपर्णा कहलाई वायु का भक्षण किया, फिर वायु का भी त्याग कर दिया। ऐसा घोर तप पार्वती ने किया, इसलिए भारत की देवियां लक्ष्मी की पूजा साल में एक बार करती हैं दिवाली के दिन, लेकिन पार्वती की पूजा रोज होती है क्योंकि माता का तपस्वी रूप हमारे हृदय में विराजमान है।